Hello students, today I am going to teach you second semester exams assignment and subject है general knowledge. यहाँ syllabus दिया हुआ है, chapters 18 to 35 तक का लिया गया है. इसमें syllabus बताया गया है. We start from exercise number 1A. Write the names that match with the statements in the blanks. Choose the correct name from the box given below. जो नीचे दिए गए हैं box में से हमें right name choose करके match करना है, लिखना है. Statements को क्या करना है? Match with the statement in the blanks को fill up करना है. A है, number one है, a man whose wife is dead. लिखेंगे widower. क्या लिखेंगे? जिसकी वाइफ मर जाती उसे कहते हैं widower. A man whose wife is dead, widower. Number two, a person who eats too much. Who eats too much gluten. Number three, a person who travels to a holy place for religious reasons. जो जाता है पर्सन ट्रैवल करता है होली प्लेस, पाक जगह जो जाता है, होली प्लेस पर जाता है, रिलीजियस रीजन से जाता है, धार्मिक रीजन से जो जाता है उसे कहते हैं पिलग्रिम, यात्राड़ू बोलते हैं पिलग्रिम. क्या कहलाता है वो? पिलग्रिम. नंबर फोर, अ पर्सन्स परमानेंट लीगल रेसिडेंस डोमिशियल. क्या कहलाता है? डोमिशियल. फाइव नंबर, अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेजेस लिंग्विस्ट. नंबर फाइव, अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेजेस लिंग्विस्ट. सिक्स नंबर, अ मैसेंजर ऑफ गॉड प्रॉफिट. अ मैसेंजर जो अल्लाह का, जो गॉड का पैगाम लाता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट. सेवन नंबर, वन हु नोज एवरीथिंग. वो इंसान जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं ओमनी साइंट. एट नंबर, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. एक वो बच्चा जिसके माँ बाप क्या है मर जाते हैं उसे बोलते हैं ऑर्फन यतीम. एट नंबर, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड ऑर्फन. नंबर नाइन, अ पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर. जो वो इंसान जो उसकी क्या है कैरेक्टर खराब होता है वो कहलाता है डेविल. नंबर नाइन, अ पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर डेविल. टेन नंबर, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर. द लाइफ स्टोरी, कोई इंसान की जो लाइफ स्टोरी है जो लिखता है बाय अनदर, दूसरों के द्वारा लिखी जाती है उसे बोलते हैं बायोग्राफी. तो नंबर टेन, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर बायोग्राफी. इलेवन, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. लाइफ स्टोरी जो लिखता है, खुद की लाइफ स्टोरी जो लिखता है, खुद ही लिखता है वो हिमसेल्फ और हरसेल्फ. लड़की है, लड़का है, जो भी लिखता अपनी स्टोरी, जो भी मैं लिखता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी. इलेवन, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ट्वेल्व नंबर, अ पर्सन और अ प्लेस नॉन फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड, उसको बोलते हैं नोटोरियस. क्या है वो? नोटोरियस. ट्वेल्व नंबर, अ पर्सन और अ प्लेस नॉन फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड, नोटोरियस. क्वेश्चन वन बी, मैच द कॉलम्स ए एंड बी बाय राइटिंग द करेक्ट नंबर ऑफ द कॉलम बी इन द बॉक्सेस गिवन इन कॉलम ए. हमें क्या करना है? ए में ए एंड बी को मैच करना, रिटर्न द करेक्ट नंबर लिखना है. ए और बी का जो मैच करके
यहाँ पर नंबर लिखना है जो बॉक्स दिया गया है। नंबर वन में है रिनोन प्लेस है और ये है क्या है कंसर्न्ड पर्सन्स और थिंग्स। नंबर वन है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी है उसका क्या हैगा, उसमें है महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी की जंग किसके हुई थी, महाराणा प्रताप, तो हल्दी घाटी इसको मैच करेंगे फाइव नंबर महाराणा प्रताप, यहाँ लिखेंगे फाइव नंबर। टू नंबर है टावर ऑफ लंदन, नंबर टू टावर ऑफ लंदन, ये है किंग विलियम। एट नंबर यहाँ लिखेंगे टावर ऑफ लंदन, इसका लिखेंगे किंग विलियम। नंबर थ्री मक्का, मक्का है इसको मैच करेंगे फोर नंबर से प्रॉफिट मोहम्मद, जो मक्का शरीफ में पैदा मक्का शरीफ में हुए थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मक्का है प्रॉफिट मोहम्मद। फोर नंबर है व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस की है नंबर वन से मैच करेंगे ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो होता है रेसिडेंस होता है प्रेसिडेंट का उसे बोलते हैं ऑफिशियल, जहां काम होता है ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको क्या है रहने की जगह को बोलते हैं व्हाइट हाउस। फाइव नंबर अयोध्या, अयोध्या में है सेवन लॉर्ड राम जो रहते थे हैं, तो श्री राम जो रहते थे वो कहा है अयोध्या। सिक्स नंबर है आनंद भवन, सिक्स नंबर आनंद भवन तो लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू। सेवन नंबर है पुडुचेरी, पुडुचेरी इसको मैच करेंगे पुडुचेरी ये नहीं है पुडा, ये पी यू डी यू सी एच ई आर पुडुचेरी, पुडुचेरी आना चाहिए फिर गलत है। नंबर सेवन पुडुचेरी इसको मैच करेंगे टू नंबर से श्री अरबिंदो घोष, अरबिंदो घोष। एट नंबर है सारनाथ, सारनाथ है इसको हम मैच करेंगे नाइन नंबर से गौतम बुद्ध, इसको मैच करेंगे नाइन नंबर लिखेंगे यहाँ सारनाथ गौतम बुद्ध। नाइन नंबर है हिरोशिमा, थ्री नंबर है फर्स्ट एटम बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड, यहाँ पर फर्स्ट जो है एटम बॉम्ब फेंका गया था हिरोशिमा, इससे मैच करेंगे फर्स्ट एटम बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड। टेन नंबर है तलवंडी, तलवंडी को मैच करेंगे नंबर सिक्स से गुरु नानक, तलवंडी नंबर सिक्स गुरु नानक। क्वेश्चन वन सी रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द करेक्ट नेम्स इन द ब्लैंक्स इन ब्रैकेट चूज द आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। नंबर वन है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर बीज रखी बीज रहती है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपायरी है एपियरी, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट एपियरी। नंबर टू अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग इन विच द ऑडियंस सीट्स, इसको बोलेंगे ऑडिटोरियम, क्या बोलते हैं ऑडिटोरियम। वन या प्लेस वेयर बीज आर केप्ट एपियरी। नंबर टू अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग इन विच द ऑडियंस सीट्स, बैठते हैं जहाँ ऑडिटोरियम। नंबर थ्री अ सेपरेट पार्ट और अ रूम इन अ हॉस्पिटल फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वार्ड, वार्ड कहलाता है। अ सेपरेट पार्ट और अ रूम इन अ हॉस्पिटल फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वार्ड। नंबर फोर अ बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव, जहाँ साधु बिल्डिंग का वो हिस्सा जहाँ साधु रहते हैं उसको क्या बोलते हैं मोनेस्ट्री।
a building in which monks live, monastery. 5 number, a home for children who are orphans. वो घर, वो होम जिसमें क्या है, यतीम बच्चे रहते हैं. अ होम फॉर चिल्ड्रन हु आर ऑर्फन्स, जिसे हम यतीम खाना बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोलेंगे ऑर्फनेज. क्या बोलेंगे? ऑर्फनेज. नंबर 6, अ रूम और अ हॉल विथ इक्विपमेंट फॉर फिजिकल एक्सरसाइज. कौन क्या कहलाता है वो? जिम्नेजियम. क्या कहलाता है? जिम्नेजियम, जहाँ पर एक्सरसाइज होती है फिजिकल अपने जो होती है, उसे क्या बोलते हैं? जिम्नेजियम. अ रूम और अ हॉल विथ इक्विपमेंट फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, जिम्नेजियम. नंबर 7, अ हॉस्पिटल फॉर द केयर ऑफ मेंटली इल पीपल, जो दिमागी तौर पर बीमार होते हैं, हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं? एजिलम. अ हॉस्पिटल फॉर द केयर ऑफ मेंटली इल पीपल, एजिलम. नंबर 8, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, वो जगह जहाँ कॉइन्स बनते हैं उसे बोलते हैं मिंट. अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, मिंट. 9 नंबर, अ बिल्डिंग इन विच नन्स लिव, जहाँ साध्वी लोग रहती हैं. अ बिल्डिंग इन विच नन्स लिव, कॉन्वेंट, वो क्या कहलाती है? कॉन्वेंट. नंबर 9, अ बिल्डिंग इन विच नन्स, जो साध्वी लोग होती हैं वो रहती हैं, उन्हें उसको बोलते हैं कॉन्वेंट. 10 नंबर, अ रूम और बिल्डिंग इन विच मशीन्स एटसेट्रा आर मेड और रिपेयर्ड, जहाँ वो रूम, बिल्डिंग का वो रूम जहाँ पर क्या है, मशीन्स बनती है और रिपेयर होती है, उसे बोलते हैं वर्कशॉप. 10 नंबर, अ रूम और बिल्डिंग इन विच मशीन्स एटसेट्रा आर मेड और रिपेयर्ड, वर्कशॉप. 11 नंबर, अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट एंड रिपेयर्ड, अ प्लेस वेयर शिप जो होती है, जो बोट होती है, ऐसे शिप होती है, जहाज होते हैं, बनते हैं एंड रिपेयर होते हैं, वो है डॉकयार्ड. 11, अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट एंड रिपेयर्ड, डॉकयार्ड. 12 नंबर, अ किचन इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट गैली, क्या बोलते हैं उसको? गैली. अ किचन इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट गैली. एक्सरसाइज नंबर 1D, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. हमें ब्लैंक्स फिलअप करना है, सिलेक्ट करके करेक्ट जो है आंसर उसे सिलेक्ट करके ब्लैंक्स को फिलअप करना है. इन चैप्टर नंबर 21 से ये ब्लैंक्स ली गई है. नंबर 1, टू ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्कशीट, हमें जो ओपन करना है न्यू जो ब्लैंक वर्कशीट है, तो क्लिक करेंगे ऑन न्यू, यहाँ पर आएगा न्यू, ओपन और सेव लिखा हुआ है, वी राइट हियर न्यू. नंबर 1, टू ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्कशीट, क्लिक ऑन न्यू ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार. जो स्टैंडर्ड टूल बार है, हम किस पे क्लिक करेंगे उसको? न्यू पर, ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार. 2 नंबर है, डैश इज यूज्ड टू सेंड मैसेजेस थ्रू द इंटरनेट, जो मैसेजेस भेजते हैं वो किसके थ्रू भेजते हैं? www लिखा हुआ ईमेल है और वेब ब्राउजर, वी राइट हियर ओनली, यहाँ पर लिखेंगे ईमेल. नंबर 2, ईमेल इज यूज्ड टू सेंड मैसेजेस थ्रू द इंटरनेट. 3 नंबर है, WN WAN कनेक्ट्स कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यहाँ है WN WAN, LAN LAN एंड www, या तो WAN LAN एंड www, यहाँ लिखेंगे हम WAN कनेक्ट्स कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. नंबर 4, इज अ पॉपुलर सर्च इंजिन, हम सर्च करते हैं जिसपे से पॉपुलर है बहुत, वो है गूगल. गूगल इज अ पॉपुलर सर्च इंजिन, यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, याहू.com या गूगल, बट वी राइट हियर
गूगल इज अ पॉपुलर सर्च इंजिन. फाइल नंबर टू क्लोज द एक्टिव वर्कशीट ऑन द फाइल मेन्यू क्लिक ऑन क्लोज. किस पे करेंगे क्लिक करेंगे क्लोज पे क्लिक करेंगे. फाइल नंबर टू क्लोज द एक्टिव वर्कशीट ऑन द फाइल मेन्यू क्लिक ऑन क्लोज. यहाँ लिखा एग्जिट है मिनिमाइज एंड क्लोज वी राइट हियर क्लोज. सिक्स नंबर है द डैश सिंबल इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन. यह है डिसीजन प्रोसेस एंड टर्मिनल. आवर राइट आंसर इज प्रोसेस. सिक्स नंबर द प्रोसेस सिंबल इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन. सेवन नंबर डैश डिस्प्लेस द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल. एक्टिव सेल इन ब्रैकेट लिखा है एक्टिव सेल नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार. अवर राइट आंसर इज नेम बॉक्स. सेवन नंबर नेम बॉक्स डिस्प्लेस द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल. नंबर एट ऑल द ईमेल्स दैट यू रिसीव आर स्टोर्ड इन द इनबॉक्स फोल्डर. इनबॉक्स फोल्डर में क्या स्टोर होते हैं. इनबॉक्स लिखा हुआ है इनबॉक्स इन ब्रैकेट इनबॉक्स है ड्राफ्ट एंड सेंट. अवर राइट आंसर इज इन बॉक्स. क्वेश्चन टू ए सम पॉपुलर कोटेशंस आर गिवन बिलो. राइट द नेम ऑफ द स्पीकर इन द ब्लैंक. यहाँ कोटेशन के नेम है और जो स्पीकर से नेम उनके नेम ऑफ द स्पीकर से वो क्या है यहाँ पर हमको फिलअप करना है. यदि उन्हें दिए गए हैं तो यहाँ पर है चूज द करेक्ट नेम. हमें चूज करना करेक्ट नेम फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में से गिवन बिलो नीचे दिए गए उसमें से पॉपुलर कोटेशन से है आर गिवन बिलो और राइट द उनके नेम ऑफ द स्पीकर इन द ब्लैंक्स. नंबर वन है इम्पॉसिबिलिटी इज अ वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स. यहाँ आएगा नेपोलियन बोनापार्ट. नंबर वन इम्पॉसिबिलिटी इज अ वर्ड टू बी फाउंड कहाँ से लेगा इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स. यह किसने बोला है नेपोलियन बोनापार्ट. नंबर टू फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ. फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ राल्फ वाल्डो एमर्सन. किसने बोला है राल्फ वाल्डो एमर्सन. नंबर थ्री है पीपल डू नॉट लैक स्ट्रेंथ दे लैक विल. इसमें बोला है विक्टर हुगो. फोर नंबर आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू. आस्क व्हाट यू कैन डू. तुमने आस्क ऐसा मत पूछो कि कंट्री ने हमारे क्या कर क्या किया है बट आस्क यू तुमने क्या किया है फॉर द कंट्री के लिए अपने कंट्री के लिए. कैन यू व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री जेपी कैनेडी. नंबर फोर है आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू. Ask what you can do for your country, J.P. Kennedy. Number five, two mountain, a fault known is a double fault. Number five, to maintain a fault known is a double fault. John Jewell. नंबर सिक्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माय गॉड. सच्चाई और जो अहिंसा है वो मेरा क्या है मेरा गॉड है. ऐसा किसने बोला है महात्मा गांधी. नंबर सिक्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माय गॉड महात्मा गांधी. नंबर सेवन है विजन इज द पार्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल. नंबर सेवन विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल. यह बोला है जोनाथन स्विफ्ट.
एक नंबर है मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल. एट नंबर मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल, ए एरिस्टोटल.